कहाँ पे है? असील की सिंगर से लग रहा है यार वो, तो है जैसी है। देखो चुटिया कबूतर जो है हमारा चुटियाधारी, वो भाई इधर ही उड़ रहा है। ये गया देखते हैं भाई कहाँ पे बैठता है वो भाई। यार ये तो जंगलियों के साथ लग गया डुंगूर भाई, जोड़ा लगा लिया इसने, बाकी हो गया बिल्कुल। ये देखो कहाँ पे बैठा है अभी भाई, बैठ जाए। हाँ यार हो सकता है जब हम भाई कबूतर हिला वगैरह लेंगे तब शायद चांस है इसको बैठने का, बाकी देखते हैं भाई। ये देखो ये भी जो घर दिख रहा है इसमें भी कबूतर बैठते हैं, ये कौन सा कबूतर है आप कॉमेंट करके बताना। वैसे ऊपर दिखाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे कबूतर बच्चा दे रखा है, एक नंबर का कबूतर है भाई ये, जब बच्चा अंडा दे रखा है फिलहाल, तो जब बच्चा निकल जाएगा इसका जब इसको लेके चलेंगे। और आप एक बार कमेंट करके बताओ ये कौन सा। यार मेरे ये समझ नहीं आ रहा यार, ब्लैकी और चुटियाधारी तो दिख रहा है, पर ब्लैकी जो है वो और उसके साथ जो वो था वो कहाँ चला गया यार, जुराबिया पैर का वो ब्लैकी कहाँ पे गया? वही तो भाई मेरे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, पता नहीं कहाँ पे गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे बिल्कुल। तो अभी जा रहे हैं भाई साइकिल का पंचर बनवाने, उसके बाद जाएंगे भाई मंदिर वाले कबूतर को पकड़ने। फाइनली हम दोबारा से आए हैं टेम्पल के पास, और यार हवा काफी तेज चल रहा है इस वजह से यार आवाज आ रहा है फोन में। वो देखो नीचे बैठे हुए हैं भाई, ये देखो ये कबूतर बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, और दूसरा भी नीचे बैठा हुआ था एक व्हाइट कलर का बिल्कुल, वो दिख नहीं रहा वो देखो बैठा हुआ। एक बार और देखते हैं भाई, ट्राई करते हैं अंदर बात बनती है कि नहीं। बाकी भाई साइड में दिखाता हूं, आंटी वगैरह बैठी है तो वो बोल सकती है भाई। वो देखो कहाँ पे बैठा है, बिल्कुल मेन रोड पे बैठा हुआ है। ये फिर आ गया, तेरे को डर नहीं लगता? ये नाम लगा के घूम रहा है तू भाई? डर नहीं है कि बाइक वगैरह इसको दाब के चला जाएगा बिल्कुल भाई, डर नहीं है किसी बात का भी। तो यहीं पे बैठे हुए थे, बाकी अभी कोई नहीं है, दिख नहीं रहा कोई पे ही, देखते हैं भाई बात अगर बनी। ये देखो भाई ये तो यार बिल्कुल रोड के ऊपर बैठा है भाई, भाग भी नहीं रहा, देखते हैं। बच्चा लग रहा है यार डूंगरू, ये तो भाई बच्चा है मुझे लग रहा है यार, दो दिन में बच्चा निकल गया और भागा नहीं, पास जाने पे भी नहीं उठ रहे। तो भाई पकड़ ले, पकड़ डूंगरू आराम से। ये देखो भाई डर रहा है, काली पूछ का पंजाबी कबूतर लग रहा है मुझे भाई, एक नंबर का है। आराम से जा डूंगरू पकड़ने की कोशिश कर रहे यार, टाइम पास मत कर। ये देखो घास में चला गया भाई, वो निकल गया वो डूंगरू, घोंसला बना रहा है वो तो भाई, यहाँ से घास वगैरह चुन के और इसके अंदर जाएगा मुझे लग रहा है, घोंसला बना रहा है। चल एक बार अंदर जाके चेक करते हैं क्या दिक्कत है भाई, कबूतर उत्तर है या फिर नहीं। ये दिख रहे हैं भाई, ये देखो एक तो ये अंडे वाली है, ये तो भाई जो अंडे पे बैठती है वो इसका जोड़ा। हाँ वो बैठे अंडे पे, अंडा बैठा है भाई, दोनों जोड़े हैं जो कि अंडे वगैरह बैठे हैं। देखते हैं कहाँ पे, ये देखो भाई इसका जोड़ा तो अंडे के ऊपर बैठे हुए हैं। ये देखो ये कौन सी नसल, ये वो यार जो कबूतर है वो डर जाते हैं, कबूतरी नहीं डरती जल्दी। ये देखो जाते वहाँ से उड़ के फरार हो गया। आजा जल्दी चल भाई, देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा आज बात बनेगा क्योंकि भाई देख लो छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये भी देखो मारे गया, ये देखो भाई यहाँ पे भी एक कबूतर बैठा है, इसके ऊपर एक अटैक कर जल्दी फटाक से। ओ भाई जल्दी जल्दी जा, एक मौका मिलेगा डुंगू, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। तो ये अपिया ना डुंगू ट्राई कर रहा है, देखते हैं क्या होगा, बात बनेगी कि नहीं। वैसे यार फोन में इस साइड लेके आ जाता हूँ, कबूतर भाई देख रहा है। अरे यार निकल गया वो, हटे यार भाई ऊपर सही था, स्पीड में लेके जाना पड़ेगा यार, नीचे कर दिया तो ज्यादा। अभी निकलते हैं, कल आना पड़ेगा दोपहर में भाई, कोई फायदा नहीं हुआ कि भाई। एक बात तो कंफर्म हो गया है कि जो कबूतर है उन्होंने अंडे रख रखे हैं, यहाँ पे दो अंडे कंफर्म पाएंगे। और जो मैंने रास्ते में आते टाइम दिखाया था वहाँ पे भी दो अंडे हैं, जाते टाइम आपको अच्छे से दिखा दूंगा, या फिर भाई जब बच्चे निकलेंगे ना तब उनको उठा के ले आएंगे अपने पास। बाकी एक यहाँ पे तो दो अंडे कन्फर्म होंगे और यहाँ पे होंगे डुंगुर, जब बच्चे निकल के आएंगे ना तब खोद के नीचे गिरा के लेके चलेंगे फिर। अभी चलते हैं फटाफट घर पे, यहाँ पे तो यार कुछ होने वाला है नहीं, बाकी जब बच्चे होंगे जब देखेंगे आने की। मेन दिक्कत ये है कि इधर भाई देख लो पूरे साइड, मतलब इधर गेहूं वगैरह है तो भाई सारे के सारे कबूतर यहीं पे खा लेते हैं नीचे, और इधर भाई सरसों वगैरह सारे नीचे ही रख देते हैं तो वही खा लेते हैं, इस वजह से भाई कोई पकड़ नहीं पाता इनको। ये देखो अभी कभी है ना सारे के सारे कबूतर चक्कर लगाने के बाद ऊपर जाके बैठे हुए हैं। ये देखो टॉप पे यार एक नंबर के कबूतर है, पर भाई यार क्या करें हम पकड़ ही नहीं पा रहे, जाते उड़ जा रहे हैं। कबूतर लग रहा है वो नहीं, वो देखो भाई गुटक रहा है एक कबूतर। ये देखो क्या ही तगड़ा कबूतर है यार, सारे के सारे ऊपर बैठे हैं टॉप पे भाई, महंगे महंगे कबूतर लग रहे हैं ये, एक एक नंबर के कबूतर है। वीडियो में भाई ऊपर करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो पता है वो लगाना पड़ेगा ट्रैप। क्या ट्रैप से बात नहीं बनेगी भाई यहाँ पे, रात को ही बात बन सकती है, पर रात को अभी देखो वो भाई जा रहा है जो अभी बोल के गया है भाई वीडियो मत बनाओ, वैसे वीडियो बनाने के लिए नहीं, वो कह रहा था पकड़ो मत यार। तो भाई हमने कहा तो वीडियो बना रहे हैं, तो यार इन्हीं का कबूतर है, इस वजह से पकड़ने का भी दिक्कत हो गया। दिखाना पड़ेगा तभी वो मानेगा। हमारा जो बड़ा कबूतर है वो आज भाई पहली बार गुटक रहा है, चलो फटाफट है ना इनको बाहर निकालते हैं। ये देखो हमने है ना भाई ये पूरा बत्तखों के लिए बना रखा है, पूरा नीचे से सेट कर दिया, अब बस भाई इसके ऊपर है ना
फट्टा वगैरह रख के और ऊपर से पूरा पन्नी से ढक देंगे, पूरा पन्नी से ढक देंगे ताकि भाई ना पानी नहीं जाएगा अंदर, और बाकी भाई नीचे से मिट्टी करीबन इतने इतने ऊपर तक रख देंगे, तो फिर ये हमारा ना बत्तख के लिए रेडी हो जाएगा। बाकी ये छोटा सा मुंह है तो इसको बड़ा कर देंगे काट के, तो सही हो जाएगा भाई हमारे बत्तखों के लिए। बहुत दिन हो गए हमारे बत्तखों ने अंडा नहीं दिया, इतने दिन हो गए भाई, आज अब एक हफ्ते से ज्यादा हो गया भाई। अभी चेक करते हैं, क्या पता अंडा दे दिया हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई देना तो चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, ये हमारे जो मुर्गे हैं ये भाई, ओ भाई तो यार इनको भूख लगा है भाई, खाना दे पहले डुंगरू, खाना दे इनको। चलो भाई बत्तख को देख लेते हैं भाई, इनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि भाई इनके लिए मैं विटामिन की दवाई भी ले आया हूँ जो भाई इनको बीमारियों से बचाएगा। आज है ना पहली बार हमारे जो बत्तख है अपने आप बाहर निकले हैं, ये देखो यहाँ पे भाई खाने का इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पर डुंगरू भाई खाना रेडी कर रहा है इनका, तो आते ही भाई दे देंगे। ये देखो भाई नहाने के बाद है ना भाई नया नया लगते हैं, मतलब फ्रेश फील करते हैं हमारे बत्तख, तो इनको है ना फिर दोबारा से लेके चलेंगे यहाँ पर उसी तालाब के अंदर, पर अभी नहीं बाद में ले चलेंगे एक या दो दिन के गैप के बाद। चलो 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 भाई इनको यहाँ से हटाते, चलो 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 भाई, इनकी वजह से है ना हमारे ब्लैक की चुटिया धारी वगैरह सारे कबूतर भाग गए हैं। ये है ना भाई ब्लैक की और के घर में घुस गए थे, तो पता नहीं सुगंध वगैरह की वजह से इन्होंने आना बंद कर दिया। चलो यार कितना पक पक करते यार ये, इनका सही है ये भाई, खुलते अपना घूम घूम के खाना शुरू कर देते हैं। और एक बात है ये है ना भाई पत्ते वगैरह भी खाते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा करा था कि भाई जो अगर आप कमेंट करोगे कि भाई मैं किस वाला हूं, तो भाई अभी तो नहीं बताऊंगा, अभी फटाफट पहले यार हमारे बत्तख खा ले और ढूंढ कबूतर तो खोल दे यार, कबूतर वगैरह को भाई आज उड़ा लेते हैं। आज है ना भाई जो हमारा लाल बच्चा है जिसको हमने पकड़ा था भाई कति लाइव, इसके ऊपर बैठा था और यहाँ से नीचे बैठा, फिर हमने डायरेक्ट अंदर कर दिया था, आज इसको खोल देते हैं क्योंकि बच्चा है, तो दो तीन दिन हो गया हमारे पास, तो क्या पता भाई हिल गया हो या फिर भागेगा नहीं। हिल गया, हिल गया यार। और नया बच्चा तो भाई नया कबूतर तो हम लेके आने ही वाले हैं भाई, आज शाम को जाएंगे या फिर कल जाएंगे कबूतर लेने के लिए, या फिर लेट हो गए तो भाई देखेंगे आज या एक दो दिन के अंदर में कबूतर भी आ जाएंगे नए। चल ढूंढ निकाल फटाफट भाई, आज उड़ाएंगे दोनों को। ये तो निकल गया भाई अपना शेरा, अकेला तो यार ये उड़ नहीं पाता, तो ये देखो लाल बच्चा भाई डुंगरू के ऊपर बैठ गया, डुंगरू से दोस्ती कर लिया है भाई इसने। भाई यही जो कबूतर है जो कि गुटकता है भाई, एक नंबर के लगते हैं मुझे गुटकने वाले कबूतर, तो भाई इसका तो पर नहीं खोलेंगे क्योंकि ये भाई काफी ज्यादा बड़ा है, तो कन्फर्म है भाग जाएगा, इसका जोड़ा आ जाएगा ना फिर उसके बाद खोलेंगे इसका पर भी। बाकी अभी कबूतर तो लेके आने की सोच रहे हैं यार, कबूतर मिल ही नहीं रहा कहीं पे, वजह से लेके नहीं आ पा रहे, तो भाई अभी तक लेके आ गए होते। फटाफट पहले डूंगरू पटक पकड़ इसको लाल वाले को भाई, इसका आज पीते हैं और इसको पूरी फरकी देंगे, नहीं भागेगा तो उसकी टेंशन मत ले, खोल पर बच्चा है यार नहीं भागेगा, बच्चा कभी भागता है कबूतर, खोल पकड़ पकड़। अब भी है ना फाइनली ये देखो हमने इसका पर तो खोल दिया है अपने रेड कबूतर का, ये देखो उड़ने भी लग गया थोड़ा थोड़ा, ये तो भाई पर बंदे 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 भाई उड़ लेता है दो चार फीट, तो अभी दोनों को फड़की देते हैं, देखते हैं भाई क्या होगा उड़ेंगे कि नहीं। तो हमारे पास एक कबूतर तो है, उड़ जा लालू भाई, इसका नाम लालू कबूतर रख देंगे यार, डर रहा है, आराम से चल चल चल। ये देखो यहाँ पे बैठ गया भाई, ज़्यादा डंडा नहीं देंगे मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे इनको, थोड़ा बहुत फड़की देंगे और बैठाने की कोशिश करेंगे। चल ओ शाबाश भाई, भाग ना जाए डूंग, हट हट जा वहाँ से, हट हट साइड हो भाई, वहाँ पे अपने कबूतर है, देखते हैं बैठेगा या फिर भागेगा। बाकी भाई उड़ के आया था हमारे पास तो भाग सकता है, चांस है। इनके देखे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमने भाई ये खाना स्पेशल अपने बत्तखों के लिए बना रखा है, तो इनके खाने पे अटैक कर दिया इन्होंने भाई, रोटी इनसे खाया नहीं जा रहा फिर भी खा रहे हैं। और ये देखो भाई अभी कबूतर उतर के बैठ गया है, अभी दोबारा से उड़ाते हैं, प्यास वगैरह इनको लग रहा है भाई। चलो चलो चल उड़ जा लालू, चल। अरे यार लालू तो उड़ नहीं रहा भाई, इससे अच्छा तो ये है भाई पंख बंदे बंदे में इसके ऊपर बैठ जाता है उड़ के। चल उड़ा 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 वहाँ से एक बार और फड़की दे, चल भाई ये तो बच्चे हैं इस वजह से शायद उड़ नहीं पा रहे सही से। चलो एक बार और फड़की दे डुंगरू, उसको फड़की दे तू, मैं यहाँ से इसको फड़की देता हूँ, अभी नहीं भाई अभी तो फड़की देंगे तुझे, चलो चल ये शाबाश। अभी फाइनली है ना दोनों के दोनों, जल्दी जा डुंगरू वहाँ से उड़ा यार, एक जगह पर खड़ा हो जा रहा है तू, चल चल इसको उड़ा नीचे वाले को, पहले दोनों साथ में उड़ेंगे, अकेला तो कोई नहीं उड़ेगा। चल चल ये देखो भाई दोनों के दोनों साथ में बैठे हैं, मुझे लग रहा है भाई छोटे बच्चे हैं काफी। चलो शाबाश भाई, इनको यार पहचान नहीं कराएंगे फिर तो ये फरार हो जाएंगे। वो देखो वो उड़ के बैठा, बैठ जा बस 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 ये बैठ गया, इसको भाई चल बस बस छोड़ 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 दे इसको छोड़ दे, हमारे कम व्यू आएंगे वही हमारे लिए बहुत है, आप लोगों का प्यार सपोर्ट है वही बहुत है। तो भाई इस वजह से मैं आप बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था बार बार कि भाई बताओ, तो भाई फाइनली रीजन मैंने आप सभी को बता दिया
तो आप बताओ अब क्या करूं मैं। इस वजह से यहां पे भाई मैं आ गया और अपना खुद का भाई छोटा सा मिनी जू बनाया, और बाकी सामान वगैरह लेके आए नहीं है, हम लेके आ जाएंगे क्या अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है भाई, अभी तो नया नया खुला है और भाई डॉग भी आने वाला है। जो भाई डॉग के फैन है ना, तो बहुत जल्द एक महीने के अंदर में भाई डॉग भी आ जाएगा यहाँ पे पिटबुल, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर गाइस आज की वीडियो कहीं एंड करते हैं, जो भी भाई चैनल पे पहली आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।